फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ISR के ब्लॉग्स में। सो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आए हुए हैं वैष्णो देवी कटरा में, और एक बार फिर से सचिन भैया के पास हम लोग आए हुए हैं। भैया ने कॉल किया था, बताया था कि इस बार इनके पास फैसिलिटीज कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। सो दोस्तों, आइए मिलते हैं सचिन भैया से और जानते हैं इस बार इन्होंने क्या फैसिलिटीज बढ़ाई है और क्या क्या नई चीज़ें हुई हुई हैं। आइए बात करते हैं सचिन भैया से। नमस्कार भैया। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? जय माता दी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप भी काफी टाइम के बाद आए हो। हाँ भैया, माता रानी बुला लिया आप लोगों की कृपा से। सो भैया, आप जैसा कि आपने मुझे बताया था कॉल से कि आपकी सचिन टूर एंड ट्रेवल्स, जो कि पहले था, हमने लास्ट वीडियो में बताया था अपने दर्शकों को कि यहाँ पे आप हिमाचल और जम्मू कश्मीर बाकी और यहाँ के कटरा में लोकल साइट सीन्स वगैरह आप करवाते हैं, तो इस बार कुछ अलग सी सुविधाएं आपके पास बढ़ी हुई हैं। वो सुविधाएं क्या बढ़ी हैं भैया, हमारे दर्शकों को बताइए आप। सबसे पहले ISR के व्यूअर्स को सबसे पहले जय माता की, और काफ़ी आपके जो व्यूअर्स हैं वो मुझे पूछते थे कि भैया आपका ऑफिस रजिस्टर है कि नहीं है, आप कहाँ पे ठहरे हुए हो, कहाँ पे आपका ऑफिस है। तो मैंने सबसे पहले आपका क्या किया हुआ, लाइसेंस मैंने सबके आपके दर्शकों के लिए व्यूअर्स रख दिए। सो गाइस, आप देखिए भैया ने, भैया के पास लाइसेंस है, ये ऑथराइज्ड है और यहाँ फेक का कोई काम नहीं है। जैसा कि भैया ने बताया, आप देख सकते हैं लाइसेंस, आप नंबर्स वगैरह नोट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं। और भैया, और आगे आपके आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से, 3-4 गाड़ियां मैंने अपनी ले ली हैं। इसमें टेम्पो ट्रैवलर लिया है फोर्स का, एक इनोवा ली हुई है और एक छोटे आजकल वो ग्लैंजा गाड़ी चल रही है 4-सीटर, वो अपनी ले ली है। तो अपने कस्टमरों के लिए, जो भी मेरे आपकी तरफ से जो क्लाइंट आएगा, तो उनकी तरफ से ये आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और कश्मीर के लिए मेरे पास सबसे अच्छा पैकेज अभी हॉक सीजन चल रहा है, तो जैसे 4% के लिए जो पैकेज होगा इस टाइम पे मेरे पास 14,500 रुपये का मिलेगा। उसमें अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग मिल जाएगी इस टाइम पर। तो जैसे जैसे सीजन चलेगा वैसे वैसे आपको रेट देते जाएंगे हम। और भैया, अगर कोई आता है आपके पास, ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, जैसे आते हैं ना कि ग्रुप में एक पूरी ग्रुप आ गई, एक पूरी बस आ गई, मतलब एक 25 लोग 30 लोग ज़्यादा, मतलब आई मीन टू से डैट एक फैमिली या दो फैमिली के अलावा कोई पूरा ग्रुप आता, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है? ये बताऊँ, मेरे पास 150-200 मेंबरों का ग्रुप आता है मेरे पास। अच्छा। बंगाल का आता है मेरे पास, गुजरात का आता है, वो 1100 कुछ मेंबर्स का ग्रुप आता है। उनको मैं इधर त्रिगुड़ा भवन में और यात्री निवास में रुकवाता हूँ, मैं उनकी फूडिंग करता हूँ मैं। अच्छा, फूडिंग की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है? फूडिंग जैसे कस्टमर बोलता है, ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, लंच में क्या चाहिए, डिनर में क्या चाहिए, वो हम पहले उनसे डिटेल ले लेते हैं, फिर हम उनसे बनवा लेते हैं। तो भैया, अगर लोगों को, यदि यहाँ तो खैर कटरा की बात हो गई, लोकल में तो आप अवेलेबल करा सकते हो, अगर हमें कटरा के साथ साथ और भी जगहों पे, जैसे कि आपको श्रीनगर, गुलमर्ग या सोनमर्ग जाना हो, वहाँ पे कुछ पैकेज वगैरह चाहिए हो, होटल्स वगैरह की आपके पास अवेलेबल है वहाँ पे? मेरे पास तो कश्मीर का तो सब कुछ अवेलेबल है, जिसमें हाउस बोट है, होटल 3-स्टार 4-स्टार 5, तो जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो तो हम वैसे उपलब्ध करवा देते हैं। मतलब आपके पास इसमें सारी चीजें हैं। तो इस बार आप लोगों ने क्या नया बढ़ाया हुआ है आपने? मेरे पास तो अभी गाड़ियां आ गई है ना, 4-5 गाड़ी मैंने अपनी खरीद ली है, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर बताया मैंने, कोई नोवा ले, टेम्पो ट्रैवलर नहीं, वो है 14 सीटर। तो माता रानी की कृपा रही, आपका शो तो नेक्स्ट ईयर वो भी ले लेंगे 70 सीटर वाले। और आपके पास समय इनोवा भी शायद आ गई, मैंने सुना, तो मैंने देखी है, तो आपने भी दिखाया, घुमाया भी आपने, भैया ने मुझे लोकल घुमाया लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सका, वो उस समय एक्चुअली कैमरा नहीं लेके गया था। इनोवा भी आ गई, भैया ने किया सेल्टोस अपने घर के लिए, तो मेरा पर्सनल लिया है, पर्सनल लिया है, ग्लैंजा लिया है भैया ने, और इनोवा लिया है, इनोवा ट्रैवलर लिया है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते, सुन रहे हैं भैया से, भैया बता रहे हैं कि आपको इस समय भैया के पास सारी गाड़ी अवेलेबल, तो आप जब भी आइए यहाँ पे भैया संपर्क करिए। भैया कार्ड एक बार फिर से आप दे दीजिए, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। भैया का लाइसेंस आप एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई मन में शक ना रह जाए। और बाकी ये भैया का कार्ड है। खैर, मैं इनका एड्रेस और नंबर तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से निकाल सकते हो, आप इनसे आप संपर्क करिए। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी जगह है, देखिए सारी जगह है, देखिए सारी जगह आपको घूमने को मिल जाएगी। देखिए सारी गाड़ियाँ जो इनके पास अवेलेबल है, डिजायर है, स्कॉर्पियो है, इटॉस है, ट्रैवलर टेम्पो है, टवेरा, ये जगह है सारी, नौ देवी, बाबा धनसर, शिवखोड़ी। और भैया शायद आप स्टेट होते हैं आगने वाले,
आगे के जो नॉर्थ ईस्ट के हैं? मैं बताता हूँ ना, जैसे कई बार तो मैं अपने क्लाइंट्स को मथुरा, वृंदावन, ताजमहल, आगरा में दिखाया हूँ, दिल्ली का कुतुब मीनार, ये तो अभी मेरी सेंट घुमा के लाया हूँ एक दो मंथ पहले। तो फिर आप अगर शिमला के, अगर हम पैक यहाँ से डायरेक्ट, अगर माता रानी दर्शन करता है भक्त, दर्शन के बाद लोग शिमला जाना चाहते हैं या नैनीताल जाना चाहते हैं, हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, शिमला मनाली का तो ट्रिप तो हम बनाते हैं लेकिन अभी तो रिसेंटली बंद हुआ क्योंकि थोड़ा वेदर खराब था। हाँ, वो तो खैर, वो तो ट्रेजेडी है। मनाली, कुल्लू, शिमला, धर्मशाला, चारों देवी है, ये तो हम करवाते हैं पांच देवी वगैरह। ठीक है सर, थैंक यू भैया। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। फिर हमारे सब्सक्राइबर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? या माता की, अगर हमारे सब्सक्राइबर आते हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी? 10% डिस्काउंट। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से आते हैं भैया के पास, तो भैया हमको 10% का डिस्काउंट देंगे, ये आपके लिए है सर। दोस्तों, माता की, आप पहले यहाँ पे आके रेट पता कर लीजिए, सब कुछ पता कर लिए। ऐसा नहीं है कि भैया आपको बढ़ा के रेट बताएंगे, पहले आप रेट पता कर लीजिएगा, उसके बाद हमारे चैनल का नाम बताइएगा, उसके बाद आपको ये है कि हम सर्विस देते हैं, बढ़िया सर्विस मिलेगी आपको, सर्विस नहीं है, ये नहीं बताते कि हमारे पास वो है। सुना आप कोई नई दुकान भी खुली है? शॉल की दुकान खुली। ओ भैया को कांग्रेचुलेशन, आप भी कमेंट्स में कांग्रेचुलेशन जोड़ दीजिएगा भैया को, एक शॉल की दुकान खोलने भैया बगल में, वो भी दिखाते हैं, वो दिखाएंगे। चलिए, ये इनके सेवल ट्रेवलर का जो लोकेशन है मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी आपने, मैंने हमारे रिसेंटली वीडियो डूबी ड्राई फ्रूट्स का देखा था आपने, ये साइन फोटोज है, साइन फोटोज के थोड़ा से जब आप आगे आओगे ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा आर के ज्वेलर्स, आप देख सकते हो आर के ज्वेलर्स की जस्ट बगल में एक छोटी सी गली गई हुई है, यहाँ पे भैया का बोर्ड लगा होगा, आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए ये सचिन टूर एंड ट्रेवल्स है। तो ये आर के साइन फोटोज, आर के ज्वेलर्स के जस्ट बगल में ये गली है, इस गली में जैसे ही आप आते हो ये पहला दुकान ये है भैया का, फोटोज वगैरह, टॉयस वगैरह रखे हुए हैं, टॉयस वगैरह के जस्ट बगल में इनकी शॉप है, इनका ये ऑफिस है, आप यहाँ आ सकते हैं। जैसे मैं आपको ये लोकेशन दिखा देता हूँ, कटरा मेन मार्केट से ही है ये, देखिए सचिन भैया की नई दुकान है ये, दुबे हैंडीक्राफ्ट्स, ये जस्ट सामने है, ये दुबे ड्राई फ्रूट्स आपका सामने है, देखिए सामने दुबे ड्राई फ्रूट्स के जस्ट सामने वाली गली में है दुबे हैंडीक्राफ्ट्स। देखिए सर, यहाँ पे आपको माता रानी की तस्वीरें, कंगन्स, बैंगल्स, शॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। देखिए सर, आपको यहाँ स्वेटर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, शॉल्स, कश्मीरी शॉल्स, पश्मीना शॉल्स। भैया इस दुकान में आपके क्या क्या अवेलेबल है? इसमें हमारे पास ब्लैंकेट मिलेंगे आपको, कश्मीरी शॉल, पश्मीना शॉल और गर्म सूट, कॉटन के सूट, ये सब मिलेंगे हमारे पास। ये इवन की ये क्या बोलते हैं इनको, पोंचू मिलेंगे आपको। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया के पास सॉल्स, पोंछू और कुछ बैंगल्स वगैरह भी अवेलेबल है, खिलौने वगैरह भी है, तो इनके पास आप आइए, ये चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सॉल्स वगैरह में बहुत ज्यादा चीटिंग है कटरा में। आप लोग शायद आए होंगे तो आपको पता ही होगा कि दिखाते कुछ और हैं लोग और क्वालिटी कुछ और है, लेकिन ये मेरी गारंटी है, मैं अपने चैनल की तरफ से बता रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल का नाम लेते हैं तो ये हमारी गारंटी होगी कि यहाँ पे चीटिंग नहीं होगी, मैं इतना आपको बता रहा हूँ। सर दोस्तों, आप एक बार आके यहाँ पे ट्राई कर लीजिए, रेट्स ट्राई कर लीजिएगा, देखने का कोई चार्ज तो नहीं होगा, वो आप देख सकते हैं, तो आपको शॉल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगी। जय माता की, जय माता की भैया।